मैं उनसे इस रमजान के पवित्र मौके पे, रमजान के मुबारक मौके में उनसे अपील करना चाहूंगा कि आप या तो खगड़िया या वैशाली सीट पर, मैं इमाम गजाली, मैं चाहता हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं कि लोकसभा चुनाव वहां से मुझे लड़ाइए, ताकि एक मैसेज जाए कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने मुसलमान को टिकट दिया है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। एनडीए में चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीटें जो हैं वो मिली हैं। इन 5 लोकसभा सीटों में दो कहें कि एक पर चिराग पासवान खुद लड़ने वाले हैं और दूसरे पर उनके जीजा जी जो हैं वो लड़ने वाले हैं, और बाकी बची 3 सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा ये अभी फाइनल नहीं है। लेकिन हाँ, इतना तो लगभग अभी ये लग रहा है कि 5 सीटों में से एक भी सीट पर कोई मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो नहीं जो है वो चिराग पासवान उतारने वाले हैं। और इसी को लेकर उनके पार्टी के कद्दावर युवा मुस्लिम चेहरे इमाम गजाली ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने चिराग पासवान से मांग की है कि खगड़िया और वैशाली दोनों सीटों में से एक सीट जो है वो उन्हें दी जाए। अब उनका पूरा बयान सुनिए। आज रमजान के मौके पे, आज 11वां रोजा हो गया, और सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 सीट देकर लोकसभा में ये जो इज्जत, जो मान सम्मान दिया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, और ख़ासकर पूरी पार्टी उसका, नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करती है। बहरहाल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चाहे हमारे संस्थापक सॉरी रामविलास पासवान हों, उन्होंने बराबर अल्पसंख्यक की बात कही, मुसलमान को लेकर चले, और बराबर आपने एक सीट मुसलमान को दिया है, खगड़िया सीट बराबर मुसलमानों के हाथ झोली में गई है। मैं चाहूँगा कि मैं इमाम गजाली को खगड़िया सीट पर लड़ाया जाए, ताकि एक मुसलमान मैसेज जाए, इसलिए कि जब पार्टी टूटी थी तो मैं इमाम गजाली तन मन धन से इस पार्टी के साथ रहा, शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर ईमानदारी के साथ हर जगह मैं मजबूती के साथ खड़ा रहा। तो मैं अपील करना चाहूँगा अब राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान साहब से, और के मुझे खगड़िया सीट लड़ाया जाए, लोकसभा सीट, और मैं पूरे तरह तैयार हूँ खगड़िया सीट लड़ने के लिए। मैं कल एक लेटर भी मैं लिखने जा रहा हूँ कल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कि ताकि एक मैसेज जाए कि आपको 5 सीट मिला है, उसमें एक मुसलमान को सीट जरूर मिलना चाहिए, ता हम लोग 20% मुसलमान बिहार के अंदर हैं, लगभग 20% मुसलमान के अंदर एक खुशी की लहर जाएगी कि चिराग पासवान साहब की जो सोच है वो सेकुलर सोच है, उन्होंने एक मुसलमान को टिकट दिया है। इस वजह से मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं ख्वाहिशमंद हूँ, इमाम गजाली चाहता है कि खगड़िया से लड़े, इसलिए कि आपने जब भी खगड़िया में आपने महबूब चौधरी को आपने जो सीट दिया था, उन्होंने आपके पीठ पर छुरा मारने का काम किया था, तो खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते ऐसे लोगों को सीट मत दीजिए। मैं चाहूँगा मुझे वहाँ से लड़ाया जाए, मैं पूरे तरह से तन मन धन से मैं तैयार हूँ वहाँ से लड़ने के लिए, पूरी मजबूती से मैं लड़ूंगा और वो सीट मैं जीत के दिखाऊंगा। इसलिए मैं कल एक लेटर भी लिखने जा रहा हूँ चिराग पासवान साहब का, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ खगड़िया सीट पे, मुझे लड़ाया जाए खगड़िया सीट, ताकि एक मुस्लिम समाज के अंदर एक मैसेज जाए। धन्यवाद, और मैं चिराग पासवान का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्हें 5 सीट मिला, और बिहार की जो लोकसभा सीट है वो 40-40 सीट जीत के आएंगे, ये मेरी दुआ है। लेकिन एक मुस्लिम समाज को भी आप टिकट दें, और मैं इमाम गजाली तैयार हूँ लोकसभा होने के लिए। खुदा हाफिज। यह इमाम गजाली चिराग पासवान के करीबी नेताओं में से एक हैं और पार्टी के मुस्लिम चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, और जब भी जो है वो चिराग पासवान बरबीघा शेखपुरा जमुई में जो है वो या नालंदा कह लें जाते हैं, तो चिराग पासवान के अगल बगल में इमाम गजाली ज़रूर दिखते हैं। और बड़ी डिमांड चिराग पासवान से इन्होंने की है, इन्होंने की कहा है अपने बयान में कि खगड़िया या वैशाली से इन्हें टिकट जो है वो दिया जाए, ताकि मुसलमानों में एक अच्छा मैसेज जो है वो चिराग पासवान के प्रति जाएगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।